हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए, मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहा है और मार्च महीने का सारा जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है सारा वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर प्लांट पे दीजिए और आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो छोटे पॉट में अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं और अच्छे हेल्दी प्लांट बना सकते हैं, इस पर डिटेल बताऊँगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट में प्रूनिंग करना ज़रूरी है। छोटा प्लांट है तो पिंचिंग कीजिए। और अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है। तो इस टाइम प्लांट में दो चार येलो पत्ती आएंगी हिबिस्कस में। तो ऐसा होता है हिबिस्कस में, मौसम चेंज के बाद ऐसा होता है, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। तो ये जो प्लांट है ये मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया है क्योंकि ये प्लांट बड़ा है। तो आपको प्लांट के साइज़ के हिसाब से और प्लांट कितना पुराना है, तो मेरा ये जो प्लांट था ये 4 साल पुराना था और ये जो मेरा प्लांट है ये सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है इसको लाए हुए। तो इसको मैंने मार्च महीने से पहले ही प्रूनिंग किया था। तो अभी देखिए, इसमें बहुत सारा न्यू शूट आया है, तो प्लांट में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इसको ग्रोथ के लिए अच्छे से फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। और ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, वो होता है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ जो देने होते हैं वो है, इसको पूरा न्यूट्रिशन देना होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। तो आपके घर में अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दोनों ही आपको देने हैं। तो इनको क्या है, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए सनलाइट अच्छी देना है। तो आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे का धूप दीजिए तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी। तो इसके बाद फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइज़र देना होता है, तो इनका डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र जो देना होता है वो पोटाशियम फर्टिलाइज़र होता है जो फ्लावरिंग के ज़रूरी होता है। तो आप छोटे प्लांट में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये देखिए, मेरा जो पॉट साइज़ है ये सिर्फ 7 इंच का पॉट है और इतने पॉट में ही ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है। इसको बड़े पॉट देने से प्लांट में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट के जो रूट होते हैं, फर्स्टली ये अपने रूट सिस्टम को फैलाने के लिए प्लांट के ऊपर की ग्रोथ कम होगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और क्या होगा, जो पॉट में बहुत ज़्यादा मिट्टी होगा तो मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली भी रहेगी, ड्राई होने में टाइम लगेगी, तो इससे कारण पॉट में फंगस लग सकती है। और देखिए, पॉट का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि इससे प्लांट में फंगस का अटैक नहीं होता। और पॉट में वीड भी नहीं होने देना है, घास नहीं होने देना है, क्योंकि घास क्या करता है, प्लांट के जो पॉट के न्यूट्रिशन होता है उसको खींच लेता है। तो ये छोटा पॉट है और ये प्लांट अच्छे से चल रहा है, तो आपको प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही पॉट देना होता है। तो हिबिस्कस प्लांट में पोटाशियम की ज़रूरत भी होती है, तो 15 डेज़ में एक बार पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। तो इसके लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो इस पर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। और ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र तो आपको देना ही देना है, तो सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी दीजिए, इससे प्लांट बढ़िया से हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ भी करेंगे। और फोलियर स्प्रे भी करना है। तो ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, तो इसको मैंने फेब्रुअरी में ही लगाया था, तो इसके ग्रोथ अच्छी है और इसका मतलब है प्लांट लग चुका है। तो इसको अभी रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग करेंगे तो हो सकता है प्लांट ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके रूट अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन इसको 15 डेज़ के गैप में अभी 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट देना है और ये प्लांट अभी इसमें ही धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो छोटे प्लांट को छोटे पॉट में ही रखना सही होता है, इससे प्लांट हेल्दी होता है। तो इसका ग्रोथ होने के बाद ही इसको हम बड़े पॉट देंगे।
और ये देखिए फ्लावर खिलने के बाद प्लांट में सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है, तो सीड पॉट हिबिस्कस में भी बनता है। इनको प्लांट में मत रखिए क्योंकि ये प्लांट की एनर्जी खींचते हैं, और इनसे कभी भी मैंने प्लांट ग्रो नहीं किया है। कटिंग से बहुत जल्दी प्लांट ग्रो भी हो जाते हैं और जल्दी से ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कटिंग पर मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मेरा और एक प्लांट जो कटिंग से ग्रो किया हुआ था, तो ये पहले लगाया था, अभी इसको रिपोर्ट भी कर चुकी हूँ और छोटे से पॉट में ही लगाया है इसको, क्योंकि तो इसमें एक दो बार जो बड्स भी बना है, लेकिन मैंने बड्स को तोड़ दिया है। और इसको घना करने के लिए जो करना है वो है पिंचिंग। तो इसमें क्या होता है, पिंचिंग जो ऊपर की एकदम टिप की पोर्शन होता है उसको, वहाँ से दो पत्तियों को नाखून से तोड़ देना है, उसको पिंचिंग बोलते हैं। तो आप अभी भी अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, मिट्टी में सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए, नाइट्रोजन बेस जो काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, साथ ही साथ 7 डेज़ के गैप में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना है, और साथ ही साथ पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी देना है। इसके वजह से प्लांट अच्छे से बढ़िया से फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट करेगा। और साथ ही साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सीवीड, तो सीवीड ग्रेन्यूल भी आप मिट्टी में दे सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट जो होता है लिक्विड वो आप प्लांट पे स्प्रे करें, तो इससे आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो आप अपने प्लांट को 7 डेज़ के गैप में फर्टिलाइज़र देते जाइए बदल बदल के, इससे आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा और छोटे प्लांट में भी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगा। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।